हेलो एवरीवन, दिस इज मुरलीधर। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम जो है अपने सैनडिस्क मेमोरी कार्ड की जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे इसके बारे में। एक्चुअली इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, अपने मैंने गोप्रो के लिए एसडी कार्ड लिया है मैंने, और इसके बारे में मैंने बहुत सुना था। आज मैंने फाइनली इसको मंगा भी लिया है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं कि ये जो है गोप्रो के लिए ये यूजफुल है या नहीं है। वैसे तो मार्केट में और भी बहुत तरह के मेमोरी कार्ड आते हैं, सस्ते भी होते हैं, कुछ महंगे भी होते हैं, बट मैंने सैनडिस्क के बारे में कुछ देखा था कि हाँ, ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो गाइस, फाइनली मैंने भी अपने एसडी कार्ड मंगा लिया है। इसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आपके सामने, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं अपने जो अनबॉक्सिंग की ओर। तो गाइस, ये है इसकी, हम अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब इस कवर को साइड में कर देते हैं गाइस, इसकी जरूरत नहीं रही। एक्चुअली ये वाला है हमारा एसडी कार्ड। अब इसकी वो हमने जो पेमेंट की है गाइस, अगर डेट की बात करें तो 11/10/2022 में मैंने मंगाया है, ये अभी मंगाया है ये जल्दी। और उसकी अमाउंट की अगर बात करते हैं तो 1625 रुपये का हमने मंगाया है ये। अब हम आ जाते हैं फाइनली प्रोडक्ट पर। तो गाइस, कुछ इस तरीका से दिखता है ये, कुछ इस तरीका से दिखता है, जिसमें जो है हमारा ये जो दिख रहा है अंदर की तरफ, ये हमारा एसडी कार्ड है। अब हम जो है एसडी कार्ड पर जाने से पहले हम आपको कुछ जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है थोड़ा वो बता देते हैं। जैसे कि 128 GB का ये मेमोरी कार्ड होता है हमारा। गाइज, हम इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 64 GB से लेकर के 1 TB तक आता है। और अभी फिलहाल हमारे पास में 128 GB वाला है ये। इसकी जो रीड है वो आपके सामने 190 MBPS है, एड है इसकी 90 MBPS। तो हम थोड़ा सा, और ये इसका जो नाम होता है सैनडिस्क एक्सट्रीम होता है, ये माइक्रो SDXC कार्ड होता है। गाइस, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पीछे दिया गया है, इसके पीछे ही ये वाटर प्रूफ होता है, ये टेम्परेचर प्रूफ होता है, ये शॉक प्रूफ होता है, और ये एक्सरे प्रूफ होता है। ये चार तरह के इसमें जो प्रोटेक्शन दिए जाते हैं गाइस। गाइस, इसके अंदर जो है हमारे को माइक्रो SDXC1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, दूसरा U3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, V30 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और A2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि हमारे को सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कैमरा और आपके स्मार्टफोन और ड्रोन, ये इसी यूज में आने वाले ही एसडी कार्ड है, जो कि ये 4K UHD पे आता है। ये आप यहाँ देख सकते हो गाइज, 4K UHD होता है ये, Full HD रेजोल्यूशन 4K में। तो गाइज, अगर आपको ये लेना हो तो अगर आपके पास कैमरा हो या फिर आपके पास में कोई स्मार्टफोन हो जिसमें आप चाहते हो कि हमारी जो SSD कार्ड है वो हाई स्पीड की मिल जाए हमको, तो आप तब बाय कर सकते हो। अन्यथा छोटे मोटे मोबाइल के लिए इसको यूज में लाना, क्योंकि ये हर किसी मोबाइल में, छोटे मोटे मोबाइल में ये सपोर्ट ही नहीं करता है। गाइज, अब आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर का एसडी कार्ड कैसा है, कैसा नहीं है। ये हम इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सॉरी गाइज, मैंने वो उसको ऐसे फाड़ दिया, इसको ऐसे खोलना था, और खोल के ये आराम से ऐसे करके निकल के आ जाएगा गाइज। गाइज, ये है एसडी कार्ड इसका। मैं इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ आपके सामने ही।
गाइज ये बहुत ही हार्ड है, मैं अपनी ऐसी ही उंगलियों से खोलने ही सोच रहा हूँ इसको। मैंने किसी भी टूल का कोई यूज नहीं किया इसमें, क्या पता इसके अंदर कुछ स्क्रैच वगैरह लग जाए या कोई सी कोई पॉइंट या कोई पार्ट डैमेज हो जाए इसका, इसलिए। ये देखो गाइज फाइनली हमने एसडी कार्ड अपना निकाल लिया है। जिसके ऊपर भी लिखा हुआ है 128 GB माइक्रो SDXC 1 V30 और U3A2। ये सारे फीचर जो हमारे को इसके पीछे मिलते हैं वही हमारे को इसके ऊपर भी मिलते हैं। और गाइज यहाँ देखो इसका जो है सीरियल नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो गाइज फाइनली हमने जो है आपको ये सारा कुछ इसमें बता दिया है जो भी इसके अंदर फिलहाल जो निकलता है, बाकी और ऐसा कुछ अलग से नहीं निकलता है, बस यही एसडी कार्ड ही निकलता है ओनली। गाइज अगर आप चाहो तो बाय भी कर सकते हो इसको। गाइज इसमें एक और बेनिफिट होता है जो कि एक जो ऐप आता है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो आपका सैंडिक्स मेमोरी जोन के नाम से मिलेगा आपको। तो आप वहां पर जाओगे तो इसके जो है बैकअप का भी इसके अंदर सिस्टम होता है, अगर आप उसके ऐप को इंस्टॉल करते हो तो। ठीक है ना गाइज, उसके ऐप इंस्टॉल करना, फिर उसमें करना, फिर इसका बैकअप। जैसे गाइज आपको मैं दिखा पाऊं, देखो गाइज ये जो नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसमें यह सिस्टम आता है गाइज बैकअप के लिए भी। इसके हम मैनेज भी कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं गाइज। ये एक सबसे बढ़िया फीचर आता है इस मेमोरी कार्ड के अंदर। तो गाइज